मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, ठीक हो? ओके, तो देखो, हमने जो बापा की मूर्ति बनाई थी चाड़ो मिट्टी से, है ना, अभी तो बना ली हमने, आज हम ड्राइंग करेंगे। ओके, तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अपनी अपनी ड्राइंग बुक निकालनी है और स्टार्ट करना है। ओके, रेडी? ओके, रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले तो हम क्या करेंगे, लाइन वर्क करेंगे। ओके, लाइन के बप्पा बनाएंगे। ओके, लाइन ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करना है। तो अभी देखो कैसे करना है। पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, विच लाइन? स्लीपिंग लाइन, वेरी गुड। देखो अभी यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है हमें। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, हमने अभी 6 स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की। अनदर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है उसके पास में ही। ओके, सी 1, 2 काउंट करना है ड्रॉ करते समय। ओके, ओके, 1, 2, 3, 4, 5। पहले हमने 6 लाइन ड्रॉ किया, फिर हमने 5 लाइन ड्रॉ की। ओके, अब हमें ऊपर गणपति बापा का मुकुट दिखाना है, इसलिए हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, 7 लाइन हमने ड्रॉ की स्टैंडिंग लाइन। फिर से हमें स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, 5 लाइन ड्रॉ किया, फिर से 1, 2, 3, 4, है ना। तो 4 लाइन हमने ड्रॉ की, राइट? सी स्टैंडिंग लाइन फिर से हमें ड्रॉ करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, फिर से हमने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4, है ना, वेरी गुड। और फिर से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3। अब हम यहाँ पे कर्व लाइन देंगे, यहाँ पे ये बन गया हमारा बापा का मुकुट, लाइन वर्क में बनाया हमने। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में। ओके, 1, 1। ओके, तो दोनों साइड को लाइन ड्रॉ करनी है हमें, 1, 2, 1, 2। ओके, टोटल कितने लाइन ड्रॉ किए हमने, 5। ओके, सी 1, 2, 1, 2। तो हमारे 5 लाइन ड्रॉ हो गए। फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3 and 4। फिर से यहाँ पे 1, 2, 3 and 4। वेरी गुड। यहाँ पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 1, 2 and 3। ओके, तो 1, 2, 1, 2, 1, 1। ओके, ये ऐसे ड्रॉ किया आपने, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बापा का एक सूंड दिखाना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जगह छोड़नी है और यहाँ पे ऐसे स्लीपिंग ड्राइंग ड्रॉ करनी है। और ये स्लीपिंग लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे आँख दिखानी है बापा की, आई। सो यहाँ पे हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये हाफ सर्कल के ऊपर डॉट दिए। ओके, सी फिर से हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन बापा के माथे पे हमें टीका दिखाना है। टीका दिखाने के लिए हमने 2 स्लीपिंग लाइन, एक हाफ सर्कल एंड एक स्लीपिंग लाइन। ओके, ये बापा के बन गए टीका। अभी हम आंखें बनाएंगे, यहाँ पे आंखें बन गई बापा के। ओके, अब लास्ट क्या बचा हमारा, वेरी गुड, सूंड ना। हम सूंड बनाएंगे, अभी यहाँ पे भी स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर अनदर छोटी सी स्लीपिंग लाइन,
फिर छोटी सी स्लिपिंग लाइन, इसको बिग लाइन को स्मॉल स्मॉल करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है ऐसे। ओके तो ऐसे 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 हमारी बापा की ये सून बन जाएगी। ओके तो हमारे बापा ड्रॉ हो गए। चलो जोर से बोलो गणपति बापा मोरिया। वेरी गुड। अब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सी आज हम ड्राइंग करेंगे। ओके ना, सो हमने अभी तो गणपति बापा का डैश चालू है, राइट। हमने शाडो मिट्टी के गणपति बापा भी बनाए हैं और रिसेंटली हमने एक लाइन वर्क में गणपति बापा भी ड्रॉ किए हैं, है ना। अब हम बनाएंगे रंगोली गणपति बापा। ओके तो कैसे बनाने हैं वो ध्यान से देखना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके आप लगे तो आप पहले पेंसिल यूज़ करनी है, बाद में आप कलर यूज़ कर सकते हो। ओके तो पहले हम तो पेंसिल से यूज़ ड्रॉ करना है, बाद में हम यूज़ करेंगे। तो डॉट है, अभी हम यहाँ पे मैंने डॉट दिए है 1 2। ओके 1 2 देखो ये 4 डॉट दिए है, तो ये बॉक्स में डॉट दिए हमने 1 2 1 2, है ना। तो ऐसे डॉट देने हैं, तो ये दो लाइन में, एक लाइन में 4 डॉट आएंगे, सेकेंड लाइन में 4 डॉट, मतलब 8 डॉट देने हैं। बीच में जगह छोड़नी है, फिर से डॉट देने हैं हमें 4। ओके फिर से ये लाइन के 4, टोटल हमारे हो गए 16 डॉट। ओके 16 डॉट दिए हमने, तो ये डॉट को हम लाइन में कनेक्ट करेंगे, लाइन डाल के कनेक्ट करेंगे। तो 1 slipping line 1 standing line 1 standing line 1 standing line 1 standing line 1 slipping line 1 standing line 1 standing line। सो ये बन गया हमारा स्क्वायर, राइट। तो हमने दो स्क्वायर बनाए, फिर हम यहाँ पे और एक स्क्वायर बनाएंगे। ये बन गया हमारा स्क्वायर, और एक हमने बना लिया स्क्वायर। टोटल बन गए हमारे कितने स्क्वायर बन गए, हमारे कितने स्क्वायर बने, 4। वेरी गुड, 4 स्क्वायर। तो अभी ये स्क्वायर को हम हाफ सर्कल की लाइन जो होती है, हाफ लाइन ड्रॉ करके, हाफ लाइन ड्रॉ करके हमें जॉइन करना है। तो देखो कैसे जॉइन करेंगे हम, एक हाफ सर्कल यहाँ पे, एक हाफ सर्कल यहाँ पे, ये बन गया जॉइन। ओके तो यहाँ पे नीचे भी हम हाफ सर्कल डालेंगे 1 and 2। देखो जॉइंट कैसे करेंगे, पहले तो हम ये सर्कल, ये पॉइंट है, इसको दूसरा जो स्क्वायर होता है उसका लास्ट वाला पॉइंट लेना है, इसको जॉइंट करना है। पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। तो हमने अभी ये पॉइंट है, इसको दूसरा जो स्क्वायर होता है उसका लास्ट वाला पॉइंट लेना है, इसको जॉइन करना है। पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। तो हमने अभी जॉइन कर लिया, फिर से हम यहाँ पे जॉइन करेंगे 1 and 2। ये हमारी बन गई रंगोली। अभी ये रंगोली बप्पा है हमारे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूंड दिखानी है हमें। तो यहाँ पे हम फिर से एक हाफ सर्कल ऐसे दिखाएंगे, एक हाफ सर्कल यहाँ पे दिखाएंगे, ये बन गई बापा की सूंड। यहाँ पे मोदक रहते हैं बापा के हाथ में, तो हम यहाँ पे दिखा दिए हमने लड्डू, है ना। अब यहाँ पे बापा का एक हैंड रहेगा। अभी यहाँ पे हमें लगाने हैं आंखें, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आंखें बापा की, सी राम। ओके और यहाँ पे बापा का एक आएगा टीका, ये बन गए हमारे गणपति बापा। ओके तो ऐसे ही ड्रॉ करना है अच्छे से, पहले पेंसिल यूज़ करो, बाद में पेन यूज़ करो, स्केच पेन यूज़ करो, कलर्स यूज़ करो। ओके लेट्स स्टार्ट, अपने ड्राइंग बनानी है, फ़ोटोज़ निकालने हैं, वीडियोस बनाने हैं और हमारे स्कूल की ग्रुप पे भेज देने हैं। ओके चलो जोर से बोलो गणपति बापा मोरिया।